बांसबड़िया बोरोपड़ा में एसएसए तंजीम के बैनर तले तालीमी कॉन्फ्रेंस मुलाकात। कायदीन की तकरीर से बेहद मुतासिर हुए सामईन, मुकामी आयम अकराम और बिरौनी कायदीन ने क्या कहा, चलिए सुन लेते हैं। तमाम जरूरियात की तकलीफ करती है, इसलिए जो इस मैदान में कुछ हद तक आगे हैं, लेकिन हम इस तालीम की बात करते हैं तो ये तालीम है जिसकी ऊर्जा अपने अपने गांव की जरूरत बन जाता है, अपने सामान की जरूरत बन जाता है। तालीम के लिए हमारे जो मदारी तालीम याफ्ता लोग हैं उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। तालीम की अहमियत को भैया सकता है, तालीम के बगैर कोई इंसान किसी भी मैदान में अपने आप को कामयाब नहीं बना सकता। अगर आप तालीम हैं तो एक बेहतरीन ताकि मुसीबत भरे के आपके अंदर तालीम हो। अगर आप गुलामों के का अपराध में से एक है तो आप बेहतरीन गुलामी मुसीबत लगा पाएंगे कि आपने अपने अपने तालीम का लोहा उतारा हो। तो ऐसा एक बुलाने के तर्क किया गया, कोई इदारा या मदरसा या स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी सुनियत को बाकी रखने के लिए ये काम किया गया। इसलिए जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे वहां पर तंजीम के तहत मौजूद है, उनकी एक टीम। जब भी कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है वहां तो अक्सर क्या होता है यूनिवर्सिटी में जाने के बाद यहां से बहुत अच्छा पढ़ के गया, यहां से इंटर करके गया, जाकर के सोचा कि जेएनयू जाएंगे वहां ग्रेजुएशन करेंगे, पता चला कि दिल्ली के माहौल में जब गया तो नशे का आदमी हो गया, क्या होता बिगड़ने लगे, पता चला कि यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे बच्चों से कॉन्टेक्ट किया, पढ़ाई की तरफ ध्यान न देकर के कुछ और करने लगा, भागने लगा। इसलिए पिछले 50 साल से हिंदुस्तान के लगभग एसएसएफ का काम हो रहा है, इसी वजह से आपका इस एरिया में भी हमें आने का मौका मिला और हमें अपने एरिया में मजबूती के साथ अहले सुन्नत वल जमात के लिए काम करना है, क्योंकि नौजवान तालिबे इल्म वो बाकी समाज के और तबके जैसे नहीं है। आप हिंदुस्तान के या पूरे दुनिया का तारीख पढ़िएगा आपको समझ में आएगा हर इंकलाब वो तालिबे इल्म का तरफ से आए। हिंदुस्तान के आजादी का जितने भी मूवमेंट्स अमेरिका का मूवमेंट्स फ्रेंच का मूवमेंट्स जितने भी मूवमेंट्स जो आए हैं वो सारे स्टूडेंट्स की तरफ से नौजवानों की तरफ से हुआ है। आप इसी तरीके से आगे बढ़े, एक आखिरी बात मैं आपके सामने कर दूं, एक जुमलाबाजी है उनका जुमलाबाजी आप लोग सुनते रहते हैं कि 15 लाख आपके पॉकेट में आ जाएगा, ये वो जुमलाबाजी बहुत सारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन पे अगर कोई काम करता है तो ऐसे ऐसे वाले काम करते हैं। आप सब करके देखो पूरे हिंदुस्तान में कि ये लोग कोशिश करते हैं कि मुसलमान के बच्चों के बाद ही हम एक हाथ में लैपटॉप दे और एक हाथ में कुरान दे कि वो कुरान भी पढ़े और दुनिया भी सीखे, दीन भी समझे और तरक्की की तमाम शाखाओं पे आगे बढ़ते हुए नजर आए। यार मुस्लिम को जिंदा समझना थे
कि जो रूह को गड़बा दे, जो कल्ब को गड़बा दे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लोग आएंगे जो इनके जिम्मेदार हो गए, बड़े बोलदार भी तशरीफ लाएंगे। हम लोग बस बढ़िया की सतह पर और ऊपरी सतह पे डिस्ट्रिक्ट सतह पे इंशाल्लाह इससे कमेटी कायम करेंगे और अपनी तालीमी शर को आगे से खूब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अक्सर नेगेटिव माइंड लोग हैं, दो चार तस्वीर तोड़ दी गई तो रात दिन उसी का रोना लेके बैठे, कितना दिमाग जीत गया। उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। न हो मायूस माहौल से दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया गुमान फैला था। अरे उन जालिमों के पीछे आप क्यों पड़े जिन्होंने हमारी दो चार मस्जिदों को तोड़ दिया, दो चार मस्जिदों को बड़ी से चला दिया। ये शख्सियत आपके सामने मौजूद है, देखे 1000 से ज्यादा मस्जिद की बुनियाद इन्होंने अपने हाथ से रखी है। ऐसे लोग तो आज तक हम क्यों इतराज कर सके। ऐसे से 50 साल में 5000 से ज्यादा 5000 से ज्यादा मस्जिद की बुनियाद ऐसे सर ने रखी। इनके जिम्मेदार है शेख अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हम इन तक क्यों नहीं पहुंच सके अब तक? ये हमारी गफलत है, ये हमारी कोताही है, ये हमारी काहिली है। ऐसे जवान दिल और फयूर कौम के लिए जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है। रोते रहेंगे तो कोई आंसू पोंछने वाला हमारा नहीं है। अल्लाह ने एक बने नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप हजरात तबर्रुक लेकर शिदी लेकर खिजरा लेकर आप हजरात जरूर घर तशरीफ लाएंगे।